नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ। लगता है अब अखिलेश के पुराने दोस्त राहुल गांधी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अपने लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में अखिलेश के खिलाफ धुआंधार प्रचार करने वाले निरहुआ ने अब गांधी परिवार के गढ़ में भी हल्ला बोल दिया है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए शुक्रवार को अमेठी पहुंचे निरहुआ के लिए यहां के लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। जहां सड़कें बीजेपी कार्यकर्ताओं और यहां की जनता से पटी रही, तो वहीं लोग छतों से भी निरहुआ को निहारते रहे। लोगों से मिले प्यार से गदगद निरहुआ ने ट्विटर पर लिखा, अमेठी से आजमगढ़ पहुंचा आजमगढ़ का चौकीदार, फिर एक बार मोदी सरकार। निरहुआ ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले अमेठी पहुंचे निरहुआ राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो जनता के पास जा ना पाए उसे जिताने से क्या फायदा। इस बार अमेठी की जनता ने तय कर लिया है कि स्मृति ईरानी को जिताएगी। इस बार जनता ने तय कर लिया है कि आपको कई बार देखा गया, आपको ऐसा देखा गया कि अब कुछ करेंगे, पर आप निठल्ले हो चुके हैं, आप नहीं कुछ करेंगे। तो अब जो है जनता ने मन बनाया है कि जो व्यक्ति उनके लिए कर रहा है, पिछले 5 सालों में श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गांव के गरीब किसान मजदूर के लिए जो उन्होंने किया है, वो आज जनता को समझ में आया है कि पिछले 5 सालों में जो उन्होंने किया ये लोग 60 साल में नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और यहाँ से अमेठी से जो है वो स्मृति ईरानी जी चुन के आए। कितनी बार आपको मौका दिया ना, जनता ने मौका दिया आपको, आप कुछ काम उनके लिए कर ही नहीं रहे। और होता भी ऐसा ही है, जब आप किसी को ऐसा अगर जता देते हैं कि आप कुछ करें ना करें आप तो जीतने ही वाले हैं, तो और निठल्ले हो जाते हैं। वही हुआ राहुल गांधी जी के साथ। अमेठी जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। प्रियंका गांधी जहां ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अमेठी को भगवामय करने के लिए जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। दोनों के लिए अमेठी जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर भोजपुरी स्टार निरहुआ तक चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, वो बताता है कि ये सीट जीतना बीजेपी के लिए कितना अहम है। खुद बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जिस तरह से हारने के बावजूद यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, ये चुनाव से साबित हो जाएगा कि अमेठी की जनता उनके काम से कितना खुश है। वैसे राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से अगर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो इसे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार के डर के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल ये तो 23 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी से 15 साल पर स्मृति ईरानी के 5 साल कितने भारी पड़ते हैं। बीकानेर के लोगों का मुझ पर जो स्नेह है वो बहुत विशेष रहा है। आपका ये स्नेह ही मुझे दिन रात आपकी सेवा करने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इस 6 मई को बीकानेर अपनी स्थापना का 532वां वर्ष मनाने जा रहा है। ये सभी बीकानेर वासियों को मैं इस शुभ पर्व के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मां करणी की कृपा से हमारे संतों के आशीर्वाद से और आप सभी के
भरपूर समर्थन से देश नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। ये कुछ संभव हुआ है, उसका एक कारण दुनिया में भारत की गूंज सुनाई दे रही है, भारत का जय जयकार हो रहा है, सारी दुनिया भारत की बात सुन रही है, आपको गर्व हो रहा है। आज दुनिया हिंदुस्तान को क्यों सुन रहा है, क्या कारण है, एक साथ आवाज आनी चाहिए, क्या कारण है। आपका जवाब गलत है, मोदी कारण नहीं है, आपका एक वोट कारण है। आपने कमल को वोट दिया और कमल ने कमाल कर दी। आपके वोट से 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी। ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान की गूंज सुनाई दे रही है। और मेरी सरकार को पूर्ण बहुमत दिलाने में राजस्थान ने जो कीर्तिमान बनाया था, उसकी चर्चा तो आज भी होती है। अब एक बार फिर राजस्थान 2014 के रिकॉर्ड को दोहराएगा भी और मार्जिन भी बढ़ाएगा। 25 की 25 सीटें राजस्थान कमल खिलाएगा। मैं आज बीकानेर आया हूं, राजस्थान में चुनाव प्रचार का मेरा आखिरी कार्यक्रम है। बीकानेर 2019 के लोकसभा के चुनाव की ये मेरी आखिरी सभा है और इसलिए मैं बीकानेर की धरती से प्रथम चरण में जिन्होंने भारी मतदान किया है और मजबूत सरकार भाजपा सरकार सुनिश्चित की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और दूसरे चरण के लिए पूरे राजस्थान ने जो कमर कसी है, आपने जो उत्साह और उमंग दिखाया है, मैं बीकानेर में इस चुनाव अभियान की मेरी आखिरी सभा में ये राजस्थान की वीर भूमि से राजस्थान के सभी मतदाताओं से, विशेषकर दूसरे चरण के मतदाताओं से आशीर्वाद मांगने आया हूं। पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बनाने के लिए राजस्थान दूसरे चरण में भी
भारी मतदान करे, कमल खिलाए।